अग्निपथ योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने अग्नि स्कीम को लेकर कहा कि युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि 4 साल के बाद उनका भविष्य किस ओर जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले और लर्दी की बेइज्जती करने वाले कांग्रेसी सेना का सम्मान क्या जाने और सेना की अहमति इनकी नज़रों में क्या है, ये वो फोर्स घोटाले और आदर्श घोटाले करके बता चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले और वर्दी पे थूकने वाले कांग्रेसी सेना का सम्मान क्या जाने और सेना की अहमियत इनकी नज़रों में क्या है, ये बोफोर्स घोटाला और आदर्श घोटाला करके बता चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अनूठी परिकल्पना जिससे देश के सेनाओं की आयु घटेगी, देश के सेना सशक्त होंगे। ये आप देखेंगे कि अग्निपथ विरोध में पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम युवाओं के साथ होकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा विधानसभा वार हो रहा है जिसमें जिस विधानसभा में अध्यक्ष हैं और वहाँ के जो विधायक हैं इनका वो नेतृत्व में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं।